Good morning, students. I hope you all are fine. In our previous lecture, we have done addition polymerization and its example, like what is LDP, what is HDP, Orlon, Teflon, and their properties, uses, and their monomers. Today, we are going to start our next topic, which is condensation polymers. Again, इसमें भी हमने various examples study करने हैं. आपको इस पूरे chapter में हर एक example के monomers learn करने हैं, because they are important. उनके structures, उनके monomers और उनके uses, properties आपको याद होने चाहिए. So today we will start with condensation polymers. So condensation polymers, as we have already discussed about these are formed by the condensation of two or more bifunctional or simply two or more monomers. So what is it? Condensation polymer हमेशा तभी बनेगा जब आपके कोई ना कोई दो monomers जो है वो condense होंगे. And इनकी condensation में हमारे पास हमेशा simple molecules का elimination होता है. वो simple molecules can be water, can be ammonia, can be alcohol और etc. But mostly जो हमने examples करने जो हमारे NCERTs में given है उनमें water का elimination ही होता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज पॉलीएस्टर्स. पॉलीएस्टर्स में एज इसमें एस्टर्स है तो आप लोगों ने प्लस वन यू हैव डन अ लिंकेज ऑफ आर सी ओ ओ आर. ये एस्टर है, हमने नॉमनक्लेचर में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है इस लिंकेज के बारे में. आर सी ओ ओ आर हो तो वो लिंकेज होता है, तो उसके साथ पॉलीएस्टर लग गया. दैट मीन्स कि हमारे एस्टर्स जो है वो एन टाइम्स होंगे, तो हमारी लिंकेज जो है सारी बेसिकली इसी के राउंड अबाउट रोटेट करेगी. पॉलीएस्टर्स के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं जो हमने लर्न करने हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज टेरलीन. टेरलीन में दो मोनोमर्स यूज होते हैं. एज हमने बोला है कि ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है तो दो या दो से ज़्यादा मोनोमर्स कंडेंस होंगे. तो इनमें जो मोनोमर्स हैं हमारे पास, वन इज इथाइलिन ग्लाइकॉल जिस विच इज ऑल्सो नोन एज इथेन 1,2-diol. एंड सेकेंड इज वी आर हैविंग टेरीफेथेलिक एसिड विच इज़ बेंजीन 1,4-dicarboxylic acid. इन दोनों को कंडेंस करवाना है. टेम्परेचर हमें चाहिए 420 से लेके 460 तक. प्लस इसमें जो हम लोग कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं दैट इज जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड. एंड टेरिलीन इज ऑल्सो नोन एज डेक्रॉन. सो कम टू द रिएक्शन, हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल है प्लस वी आर हैविंग टेरीफेथेलिक एसिड. ये ग्लाइकॉल आ गया आपके पास, OH CH2 CH2 OH. एंड हमारे पास जो बेंजीन के अगर दोनों पैरा पोजिशंस पे COOH हो तो उसको टेरीफेथेलिक एसिड बोल देते हैं. टेम्परेचर कंडीशन देनी है, पॉलीमराइजेशन होगा तो इसमें भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स निकलने हैं वाटर जैसे. हमारा जहाँ से इस पोजिशन से हमारा H चला गया और फ्रॉम दिस साइड हमारा OH आएगा. तो जब आपका ये एलिमिनेशन होगा ओनली देन इनकी बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल है. अगर आप लोग इस पूरे मॉलिक्यूल को देखोगे तो यहाँ से आपका H, दिस H इज रिमूव्ड एंड फ्रॉम हेयर दिस OH इज टू बी रिमूव्ड. अगर ये दोनों रिमूव होंगे तभी आपकी जो बॉन्डिंग है वो ये पॉसिबल होगा. देखो अभी यहाँ से तो ये वाला H किसी और वाले मॉलिक्यूल के साथ निकल जाएगा, बट बचा क्या O, हेयर इज O, देन बॉन्ड CH2, फिर से बॉन्ड CH2, देन बॉन्ड हमारे पास O है, देन हमने ये एच और ओ एच वाटर में निकाल दिया. बचा क्या हमारे पास, सी ओ, सी डबल बॉन्ड ओ. बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही है, अगेन सी ओ और ये वाला ओ एच किसी दूसरे ग्लाइकॉल वाले मॉलिक्यूल के साथ वाटर बना के निकल जाएगा. तो ये हमारा एक टेरिलीन आ गया, डेक्रॉन आ गया, जो एन टाइम्स ऐसे ही डिवाइड करेगा और इट विल फॉर्म डेक्रॉन. सो दिस इज द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इन विच हमने दो मोनोमर्स को यूज़ करके डेक्रॉन का फॉर्मेशन करा. अब डेक्रॉन की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर्स बनाता है. इसके अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाईली क्रीज रेजिस्टेंट होता है, ये क्रीजिंग नहीं आती इसमें कोई भी, ड्यूरेबल है, मॉइस्चर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा लो होता है और इसके ऊपर कोई किसी भी तरह का पेस्ट जो है वो अटैक नहीं कर सकता. तो इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम लोग इनको ब्लेंड कर लेते हैं कॉटन या वूल के साथ और अलग अलग फाइबर्स बना लेते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है कि दीज आर क्रीज रेजिस्टेंट. नेक्स्ट हम इनको सेफ्टी हेलमेट जो व्हीकल्स चलाते टाइम हम लोग वेयर करते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं. जो पुराने टाइम पे हम लोग टेप रिकॉर्डर्स में टेप्स यूज़ करते थे, कैसेट्स, उसमें जो टेप्स थी रिकॉर्डिंग टेप्स वो आपकी इसी से बनती हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक अंडर दिस कैटेगरी इज ग्लिप्टल. ग्लिप्टल में भी हमारे पास दो मोनोमर्स है, वन इज इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड अनदर वन इज थैलिक एसिड. नाउ इथाइलिन ग्लाइकॉल तो इथेन 1,2-diol हो गया और थैलिक एसिड हमारे पास आ गया बेंजीन 1,2-dicarboxylic एसिड.
अब जो हमारे पास लास्ट पीछे हमने यूज करा था टेरिफेथैलिक एसिड, उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट फेथैलिक एसिड में आपके दोनों कार्बोक्सिली ग्रुप एडजेसेंट पोजिशंस पे लगे होंगे, लेकिन उस वाले में ऑपोजिट पोजिशंस पे लगे होंगे. तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. तो इन दोनों की कंडेंसेशन भी आपकी सेम तरीके से ही होनी है. आपके फिर से वही मॉलिक्यूल, जैसे इसका जो एच है वो इसके ओ एच के साथ जाएगा और आपका ये कम्बिनेशन बन जाएगा, और ये ओ एच दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चला गया, आपका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा. सेम मेथड है हर एक में. वॉट जो टर्मिनल वाले पोजीशन वाले आपके एच ओ एच वो भी निकलेंगे, और जो बीच वाले इनके हैं ये इनके आपस में इंट्रैक्शन करवा के ग्लिप्टल का फॉर्मेशन करवा देगा. नाउ इसके यूजेस क्या हैं? इनको हम लोग पेंट्स या लेक्वर्ड्स में यूज़ करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, एबेस्टर, सीमेंट्स वगैरह बनने में इनको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ पॉलीअमाइड. पॉलीअमाइड एज इसमें नेम ही बता रहा है कि इसमें अमाइड का लिंकेज आना है. अमाइड लिंकेज सब आता है जब आपका सी ओ जो है एन एच के साथ बॉन्डिंग करता है. तो ये पॉलीमर्स में हम लोग जनरली स्टडी करते हैं नायलन्स के बारे में. फर्स्ट एग्जाम्पल इज नायलन 66. आपने इसको नायलन 66 नहीं रीड आउट करना है, यू हैव टू रीड इट आउट एज नायलन 66. इसमें जो हमारे पास मोनोमर है दैट विल बी हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन एंड अनदर इज एडिपिक एसिड. नाउ हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन है NH2CH2 सिक्स टाइम्स NH2. दिस इज योर हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन एंड OHC डबल बॉन्ड O CH2 फोर टाइम्स COOH. दिस इज योर एडिपिक एसिड. ये दोनों को पॉलीमराइज करेंगे. टेम्परेचर आपका रहेगा 553 विद हाई प्रेशर एंड पॉलीमराइजेशन. दे विल फॉर्म नायलन 66. सो दिस इज योर नायलन 66. एवरी स्ट्रक्चर यू हैव टू मेक, हर एक स्ट्रक्चर को बना के देखना है. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम डू आस्क मी. बट हर स्ट्रक्चर आपने 2 to 3 times ड्रॉ करके देखना है कि आपसे बन रहे हैं, ये रिएक्शंस कर सकते हो आप लोग. नेक्स्ट नायलन 66 के यूजेस, फर्स्ट इज इट इज मेक यूज्ड इन मेकिंग ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेज. आप टूथ ब्रशेज यूज करते हैं, उनके ब्रिस्टल्स बनाने के लिए यूज होता है. काफ़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इनको शीट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. इसको वूल के साथ ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं, सो दैट के हम सॉक्स और स्वेटर्स बनाने के मटेरियल्स रेडी कर सकें. हमारे पास जो कॉर्ड्स हैं या क्लाइंबिंग रोप्स जो क्लाइंबर्स यूज़ करते हैं, उनको बनाने के लिए भी नायलन 66 को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नायलन 6. नाउ नायलन 6 के भी दो मोनोमर्स हैं. वन इज कैप्रोलैक्टम, बट कैप्रोलैक्टम एज सच इज नॉट अवेलेबल. सो इसको पहले हम साइक्लोहेक्सेन से बनाते हैं. लाइक हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉन आएगा. अब साइक्लोहेक्सेनॉन जो है उसमें हमने क्या डालना है, NH2OH डालेंगे तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा. H2OH यहाँ से जाना है और H यहाँ से जाएगा, आपके पास NOH बच गया. तो ये आपके पास आ गया साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइन. NOH लग जाए जब भी तो वो ऑक्साइन बन जाएगा. देन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास कैप्रोलैक्टम आ जाएगा. कैप्रोलैक्टम में 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास क्या आ गए, इसमें कार्बन एटम्स आ गए. एंड एक कार्बन के साथ इसने डबल बॉन्ड O लग जाना है. NH हमारे पास पहले ही था. अब इस कैप्रोलैक्टम में हमने क्या करना है, इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करना है. ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर ये अमाइनो कैप्रोइक एसिड बनाएगा, विच इज NH2CH2 5 times COOH. नाउ ऑन हीटिंग इट ये आपको डीकम्पोज करके, कंडेंसेशन करके हमारे पास नायलन 6 देके जाएगा. एंड नायलन 6 की प्रॉपर्टीज हैं, इसको टायर कॉर्ड्स बनाने के लिए, फैब्रिक्स या रोप्स के मटेरियल बनाने के लिए भी अगेन यूज़ किया जाता है. अ थर्ड एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर इज फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स. फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स जो है बेसिकली इसमें हम लोग बैकेलाइट या मेलामाइन पॉलीमर्स के बारे में स्टडी करेंगे. हमारा जो पहला एग्जाम्पल है दैट इज फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन. फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन ऑल्सो नोन एज बैकेलाइट. अब इसका जो नेम है वही सजेस्ट करता है कि इसमें मोनोमर्स कौन से आएंगे. मोनोमर्स इसमें फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड है. इसमें आपको या तो एसिडिक या फिर बेसिक कैटलिस्ट यूज़ करना होता है. प्लस इसमें जो आपका इनिशियल प्रोडक्ट बनता है वो नोवोलैक है, जिसको आप फर्दर यूज़ करके बैकेलाइट की फॉर्मेशन कर सकते हो. नोवोलैक की आपने ऐड भी सुनी होगी, पेंट्स वगैरह की प्रमोशंस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. ब्रांड भी एक तरह का लाइक वी आर हैविंग. यहाँ पे हमारे पास है फिनोल, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड. फिनोल होता है बेंजीन के ऊपर OH एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज HCHO. या तो आप बेसिक मीडियम ले लो या एसिडिक मीडियम ले लो, दोनों में से कोई भी मीडियम लोगे तो आपका रिएक्शन में आपको
दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पता है आपने करा हुआ है ए बी प्लस वन में, मेजर माइनर आपके पास आता है, देर इज़ अ ऑर्थो, हमने क्या करना है, एक बार तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे आपका सी एच टू ओ एच और ये ओ एच लगा है, सेकेंडली वो पैरा पोजिशन पे लगा होगा, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। अब फर्दर क्या है, इनमें से किसी भी एक को अगर हम यूज़ करते हो तो ये हमें लीनियर पॉलीमर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कंडेंसेशन कर लिया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का, तो वी गेट नोवलैक, नोवलैक का लीनियर मिलेगा स्ट्रक्चर हमें। वो कैसे मिलना है, आपके पास ये स्ट्रक्चर है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, इसको हमने टू एन लिया, इसका एन तो हमें लेना ही लेना होता है जब भी पॉलीमराइजेशन करते हैं, हमने मोनोमर्स को एन टाइम्स लेना है, लेकिन हमने इसको टू एन टाइम्स लिया। इसकी पॉलीमराइजेशन करने में क्या मिलेगा, आपके पास ऐसे दो थे तो हमने दोनों को एक्सपैंड कर दिया। अब एक साइड वाला यहाँ पे भी फर्दर सी एच टू होगा, इधर भी फर्दर सी एच टू किसी बेंजीन रिंग के साथ ही अटैच्ड होगा, लेकिन हम सारे लिंकेज नहीं शो कर रहे, टू लिखा है तो हम सिर्फ दो स्ट्रक्चर के साथ इसको शो करेंगे। बेंजीन के ऊपर ओ एच सी एच टू लिंक करेगा दूसरे के साथ ओ एच सी एच टू, ये ऐसी ही चेन एंड टू एंड ज्वाइन होते जाएगी और लंबे लंबे आपके चेन्स बनेंगे, तो ये आपका लीनियर पॉलीमर है जिसको हम लोग नोवलैक बोलते हैं। बट इस नोवलैक को हीट अगर हम कर दें फॉर्मल्डिहाइड के साथ, मतलब एच सी एच ओ के साथ, तो हमें एक क्रॉस लिंकिंग वाला सॉलिड मास मिलेगा जो इनफ्यूजिबल होगा, जिसको आप फ्यूज नहीं कर सकते हो, दैट इज नोन एज बेकेलाइट। अब बेकेलाइट के बहुत सारे यूजेस होते हैं, इसको कॉम्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, फोनोग्राफ के जो रिकॉर्डिंग टेप्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, प्लस इसको इलेक्ट्रिक स्विचेस में यूज़ करते हैं, या किसी भी यूटेंसिल के जो हैंडल्स आजकल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उसमें इसको यूज़ किया जाएगा। नाउ फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट फ्रॉम नोवलैक, नोवलैक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवा दो आप लोग, को पॉलीमराइजेशन होगा, माइनस टू एन माइनस वन वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इसमें टू एन माइनस वन वाटर मॉलिक्यूल्स निकलने होते हैं आपके। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि सिक्स बेंजीन रिंग्स हमने बनाया, आप और भी एक्सीड कर सकते हो बट नो नीड टू ड्रॉ दैट, सिंपली इतना कर दो, ये एंड टाइम स्पीड होगा तो आपका बेकेलाइट बन जाएगा। तो यहाँ पे वन बेंजीन की ऐसे क्रॉस लिंकिंग कर लो, लीनियर भी आएगा और इस तरह से भी आएगा, इसकी थ्री डायमेंशन में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा सॉलिड मास बना लेता है। तो इसकी सॉलिड मास बनाने की वजह से, इतनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको काफ़ी, हमने इसके अभी यूजेस डिस्कस कर रहे हैं कि इसको स्विचेस में, हैंडल्स ऑफ द यूटेंसिल्स में एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस या कॉम्स में यूज़ किया जा सकता है। तो देयर आर सम अदर यूजेस आल्सो, अगर तो आपने जो बेकेलाइट बनाया वो सॉफ्ट है, मतलब उसमें जो पॉलीमराइजेशन की डिग्री थी हमने लो वाली यूज़ करी है, तो उससे हम ग्लू बना सकते हैं। ग्लू बनाना है तो उससे क्या होगा, आप लैमिनेटेड वुडन प्लैंक्स को अटैच कर सकते हो वुड के साथ, या वर्निशिंग कर सकते हो। जो हाई डिग्री पॉलीमराइजेशन होता है वो हमें हार्ड सब्सटेंसेस देता है, बेकेलाइट वाले, जैसे बेकेलाइट है हमारे पास, तो उसकी हमने यूज़ अभी कर रहे हैं कि जैसे कॉम बना लो उसमें यूज़ कर सकते हैं एंड मनी मोर एग्जांपल्स। फर्दर इसको हम माइका टेबल टॉप, माइका के टेबल्स बने होते हैं उसके टेबल टॉप बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, एंड देर आर वेरी अदर एग्जाम्पल्स विच यू कैन डू ऑल्सो। नेक्स्ट अवर लास्ट कंडेंसेशन पॉलीमर एग्जाम्पल इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। नाउ मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एज नेम सजेस्ट कि ये मेलामाइन से बना होगा, तो हमने यहाँ पे कंडेंसेशन करना है मेलामाइन का विद, मतलब मेलामाइन हमारे पास यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक ट्रायामाइन है जिसको हमने फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवा के बनाया। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टअप करा है फ्रॉम द रेजिन इंटरमीडिएट, बट आगे मैंने आपको रिएक्शन मैंशन करा जिसमें आप देख सकते हो कि रेजिन इंटरमीडिएट बनेगा कैसे। रेजिन इंटरमीडिएट जो है इसको आपने यूज़ करना है, लाइक इट इज़ अपने, वैसे तो बेंजीन में सिक्स कार्बन्स हैं, तीन कार्बन्स को रिप्लेस करके मैंने नाइट्रोजन लगा दिया हुआ है, फिर उसकी दो ऑर्थो पोजिशन पे एनएच टू है और पैरा पे एनएच टू है और इस साइड पे एनएच टू सी एच टू ओ एच है। अब करना क्या है, सेम मेथड लगेगा कि इसमें से भी ओ एच आपका निकलेगा और किसी और मॉलिक्यूल का, किसी और रेजिन इंटरमीडिएट का जो एनएच टू होगा ऐसे वाला, उसका एच लेके वाटर बना लेगा, और ये वाला एच भी आपका बाहर जाएगा और किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ओएच के साथ वाटर बना लेगा। ऐसे करते करते क्रॉस लिंकिंग कर लेते हैं, हमारे पास ये बनता है मेलामाइन। नाउ यूजेस, अनब्रेकेबल क्रॉकरी हम लोग जितने भी यूज़ कर रहे हैं वो सारी मेलामाइन की बनी होती है। आप कप्स यूज़ कर रहे हो, प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल और हार्ड होता है, फेंकने पर भी ये टूटेंगे नहीं, देयर ड्यूरेबिलिटी इज़ क्वाइट हाई। तो मैंने अभी डिस्कस करा था कि मैं आपको रेजिन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन बताऊंगी, तो रेजिन में इंटरमीडिएट बनाना है तो आपको क्या चाहिए, मेलामाइन चाहिए। मेलामाइन होता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आपका एनएच टू होगा और एक पैरा पे ओनली नाइट्रोजन इज देयर।
प्लस उसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारा इंटरमीडिएट आएगा, जिसकी पॉलीमराइजेशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड फ्रीजिंग. सो दैट्स इट, हमने आज कंडेंसेशन पॉलीमर्स तक कंप्लीट कर लिया. वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 to 3 टॉपिक्स विच वी विल कंप्लीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू लर्न ऑल द मोनोमर्स एंड रिएक्शंस एंड ट्राई सम एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू द टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम योर एनसीईआरटीज़.